दोस्तों, रात की रानी मुंबई आप सभी का स्वागत करती है। स्वागत है आपका अपने चैनल। और दोस्तों, मुंबई की तो बात ही कुछ और है। भले ही आप एक महीना कहीं रह लें या कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन मुंबई अपने सभी चाहने वालों को खींच लेती है। और ये हम आपको लेकर हैं मुंबई वाशी, और वाशी की ये खूबसूरती आप ये देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ये डीवाई पाटिल स्टेडियम को आप ये देख रहे हैं दोस्तों। यहीं पर आईपीएल मुंबई में जितने भी आईपीएल मैचेस हैं इस बार पूरा मुंबई में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइटिंग डेकोरेशन, और ये वाशी के यहाँ के ब्रिज की खूबसूरती आपको दिखाते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, क्योंकि ये पूरा वाशी जो है न्यू मुंबई के नाम से जाना जाता है। न्यू मुंबई यहीं पर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है दोस्तों, बहुत ही बड़े लेवल पे। एक दो साल में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ की खूबसूरती आप ये देख सकते हैं, ये वाशी नवी मुंबई इसको कहा जाता है दोस्तों। जैसे ही आप पूना साइड से आते हैं, और ये पूरा का पूरा वाशी का क्षेत्र, और यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। और ये चेकना का क्रॉस करते हुए हम, और ये वाशी का ब्रिज ये आप देख सकते हैं, जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात के समय में आपको मुंबई ऐसी लगने वाली है कि जैसे दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में एंटर होते से ही इंसान चार्ज हो जाता है, और बस पूछिए मत कैसा लगता है। आप भी जब भी मुंबई शहर में आएँ तो बिल्कुल हौसले बुलंद करके आए, तो कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। और मुंबई तो दोस्तों जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल, उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत यहाँ पे कलाकृतियाँ, यहाँ पर उनके किले की लगी हुई है। ये हम चेंबूर से क्रॉस होकर जा रहे हैं दोस्तों, और ये पूरा का पूरा चेंबूर क्षेत्र, और यहाँ से ये पूरा चेंबूर का ब्रिज है जो कि राउंड लेकर जाता है। ये ब्रिज को आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद में एक और खूबसूरत ब्रिज को हम आपको ये दिखा रहे हैं दोस्तों। ये पूरा सीधा सीएसटी स्टेशन जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाए जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और ये हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं साइन, जो कि बेंड्रा के पास में है। और ये यहाँ पर लेदर के मार्केट, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। और ये मुंबई की डबल डेकर, जी हाँ दोस्तों, उसके बगैर तो मुंबई अधूरी लगती है। और ये पूरा साइन क्षेत्र से हम आपको लेकर जा रहे हैं बेंड्रा की ओर, और ये पूरा का पूरा, और यहीं पर दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो कि धारावी कहलाती है। और ये हम बीकेसी बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बेंड्रा लेकर आपको पहुंच चुके हैं। ये बीकेसी आप ये देख सकते हैं दोस्तों, और रात की रानी को रात में देख रहे हैं आज आप भाई। दुल्हन ने श्रृंगार किया हुआ है, और ये पूरी खूबसूरती भाई, इंडिया का नंबर वन सिटी तो मुंबई है ही अपने आप में। और ये पूरा का पूरा मनोहर दृश्य, ये लीजिए मुंबई का ट्रैफिक भी आपके समक्ष प्रस्तुत है दोस्तों। मुंबई के ट्रैफिक से बच के आप कहाँ जाएंगे। रात भर जो जागने वाली रहती है, चलाएं मान रहती है पूरी मुंबई रात भर। और ये एयरपोर्ट साइड पहुँच चुके हैं हम, और ये फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्लाइट जा रही है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांता क्रूज में दोस्तों। ये पूरा का पूरा मनोहर और खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा एयरपोर्ट, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है सांता क्रूज का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके आगे है, और वो अंधेरी में आता है, और ये सांता क्रूज में आता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं रात में। हालांकि थोड़ा क्वालिटी में हो सकता है डिफरेंस आ जाए, लेकिन
दोस्तों मनोरंजन में आपके फर्क नहीं आने वाला है, हम आपको वैसे ही घुमाते रहेंगे। ये आप यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल T2। अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको ब्रिज के ऊपर से राइट वाली लेन में रहना पड़ता है। तो आप छत्रपति शिवाजी, और ये पूरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, पहले चलिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट की खूबसूरती आपको दिखा देते हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये सहारा होटल है, सहारा बहुत ही खूबसूरत, ये डायमंड के आकार का बना हुआ है, देख सकते हैं आप ये सहारा स्टार। और ये अब हम उसके आगे, ये नीचे जो है रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए चला जाता है। और ये यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर भी लगी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत। ये अंधेरी में हम आपको लेकर आ चुके हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने उजाला है। नाम अंधेरी में है, लेकिन पूरे मुंबई शहर में हमेशा उजाला रहता है। एक सेकंड के लिए लाइट नहीं जा सकती है दोस्तों, सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा किसी भी ऋतु में। इसीलिए तो हर करोड़पति इंसान मुंबई में रहता है, और हर इंसान का सपना होता है कि मुंबई, क्योंकि ये ही पूरी, यहीं पर पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है। जू वर्सों व अंधेरी जाने के लिए, और ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं जोगेश्वरी। बहुत ही खूबसूरत, हर जगह अंधेरी के बाद में जोगेश्वरी आ जाता है, जोगेश्वरी के बाद में गोरे गांव आ जाता है जहाँ पर हम निवास करते हैं, वहीं पर पूरी फिल्म सिटी है। और ये जोगेश्वरी के बाद में ये यहाँ पर ये महानंदा डेयरी का मेन गेट है दोस्तों, और इसी के अपोजिट साइड में, उधर लेफ्ट साइड में बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है। अगर आप मुंबई में आते हैं किसी भी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए, तो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर इसके अपोजिट साइड में है, और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ही स्थित है। और ये पूरा खूबसूरत दृश्य जोगेश्वरी का, और ये लीजिए दोस्तों हमारे सपनों की जगह गोरेगांव, आप सभी के सपनों की जगह, जहाँ पर कि मुंबई फिल्म सिटी है, ये दिखना शुरू हो गए हैं। और ये ओबेरॉय वुड्स बहुत ही खूबसूरत, इसकी वजह से दोस्तों ओबेरॉय ईस्ट की इतनी वैल्यूएशन हो गई है, मुझे नहीं लगता कि, और वाकई ही मुंबई तो मुंबई है, और यहाँ गोरेगांव से तो हमें भी बहुत लगाव है। जब तक कहीं भी बाहर चले जाए और गोरेगांव नहीं आए, तो यहाँ पर पूरा फिल्म सिटी होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी फिल्मी कलाकार हैं यहीं पर आकर निवास कर रहे हैं। और दोस्तों फिल्म सिटी से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो एक घंटे का वीडियो है, नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसमें पूरा फिल्म सिटी टूर कर सकते हैं, सारे फिल्म एक्टरों के घर घूम सकते हैं, और जितने भी स्टूडियो हैं मुंबई में उनको देख सकते हैं। ये हम गोरेगांव की शानदार जगह आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों, ये ओबेरॉय मॉल, और पीछे आप देख सकते हैं वेस्टर्न बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, गोरेगांव ओबेरॉय मॉल सबसे रिचेस्ट मॉल माना जाता है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर, और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है गोरेगांव का, क्योंकि इसके बाद में पूरा फिल्म सिटी है वो फॉरेस्ट में बसा हुआ है, जंगल में, और बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।